YouTube के अनुसार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्योतिष संधान केंद्र में आपके प्रश्नों का जवाब जान सकते इसलिए पहले सब्सक्राइब करें व कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखें। अपने दैनिक राशिफल जन्म कुंडली निर्माण वर कन्या की जन्म कुंडली मिलान एवं जीवन की समस्याओं के बारे में जानने के लिए संपर्क करें सब्सक्राइब ज्योतिष समाधान केंद्र। प्रिय जिज्ञासु, आज मैं आपके समक्ष साप्ताहिक राशि भविष्य दिनांक 14 फरवरी से 20 फरवरी के मध्य सिंह राशि वालों का क्या राशि भविष्य होगा इस सप्ताह में दर्शाने जा रहा हूँ। देखिए, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और सूर्य कुंभ राशि पर चल रहा है, पूरे सप्ताह भर कुंभ राशि पर रहेगा। आपकी राशि से सप्तम भाव पर है। सप्तम पर सूर्य क्या करता है? पत्नी के क्रोध को बढ़ाने वाला होता है। पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा विवाद की स्थिति निर्मित करता है। इस सप्ताह ऐसा होना है। शुक्र की स्थिति क्या है? शुक्र अभी मकर राशि पर हैं इस सप्ताह में और आपकी राशि से छठ में हैं। छठ में शुक्र वो भी पत्नी से विवाद का कारण बनाते हैं और आपको डायबिटीज की बीमारी अगर है तो उसको वृद्धि करने वाले होते हैं, तो शुक्र भी ठीक नहीं है पति पत्नी के लिए और यहाँ पर सूर्य भी ठीक नहीं है। बुध वो भी छठ में है, ये व्यापार में अवरोध विवाद करते हैं, व्यापारी वर्ग में कुछ विरोध हो सकता है, तो ये कार्यक्रम छठ में बुध का भी ठीक नहीं है। और गुरु भी छठ में हैं। छठ में गुरु क्या करते हैं? अच्छे कार्यों में खर्च कराएंगे, धन संपत्ति को परिजनों को वृद्धि करने वाले हैं, परिवार में कुटुंबी जन आपका सहयोग करने वाले रहेंगे, ये काम बहुत अच्छा हो गया। दूसरा, कर्म क्षेत्र जिनका छूट गया है वो कर्म में नए आयाम जोड़ेंगे, तो गुरु बहुत अच्छे हैं। शनिदेव क्या कर रहे हैं? शनिदेव वो भी छठ में हैं, रोग और शत्रुओं का विनाश करने वाले रहेंगे छठ में रवि शनि, और साथ साथ में आपके अपव्यय कराने वाले हैं। लोहा मशीन का कुछ नुकसान होगा, जो मशीन लोहे का कार्य कर रहे हैं जिनका फैक्ट्री है कुछ तक मशीनें बिगड़ती रहेंगी, इस सप्ताह में थोड़ा ऐसा योग बना सकते हैं। और साथ साथ में छोटे भाई बहनों के प्रति थोड़ा सा अनुराग कम रहेगा, उनके रखरखाव में थोड़ी अव्यवस्था रहेगी, ये शनिदेव का प्रभाव रहेगा। और जो है सो मंगल देव की स्थिति क्या है? मंगल मेष राशि पर है। आपकी राशि सिंह से नवमे भाग्य वृद्धिश्च नवमे है, नवम भाव में मंगल देव भाग का विकास कराएंगे, भूमि संबंधी लेन देन में सफलता मिलेगी, भाग्य से कोई भूमि अच्छी मिल सकती है, जमीन का लेन देन बड़ा शुभकारी रहेगा। राहु देव वो भी साथ में हैं, ये राहु देव वृषभ राशि पर हैं और आपकी राशि से क्या है दसवें हैं। दसम राहु क्या करते हैं? कर्म में बाधा पहुंचाएंगे, लगे हुए काम आपके हैं जो चल रहे हैं कार्यक्रम व्यवसाय या नौकरी, उसमें कुछ न कुछ व्यवधान डालने वाले हैं अचानक, इस प्रकार से राहु देव की स्थिति है। चंद्रदेव की स्थिति क्या रहेगी? चंद्रदेव कुंभ राशि पर रहेंगे जो कि प्रथम तारीख 14 को ही सप्तमे राज सम्मानम, राज सम्मान यानी आपको प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी और सम्मान बढ़ेगा, आय के स्रोत बढ़ेंगे, मेहमानों का आगमन हो, दैनिक आय की गति अच्छी रहेगी। अष्टमे मरण ध्रुवम, 15 और 16 तारीख को अष्टम चंद्रमा आपको कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाने वाले हैं, विवाद करा सकते हैं, शत्रु बाधा हो सकती है,
और आपके जो है सो सब प्रकार से एक्सीडेंट का योग भी है, वाहन सावधानी से चला है। नौमे भाग्य वृद्धि चय, 17 और 18 तारीख को आपके भाग्य का विकास होगा, अनेक स्रोतों से लाभ होगा और जो नहीं चाहते वहां से भी आपको सहयोग मिलेगा। बहुत अच्छा समय है। और दसवे कर्म ईप्सितम, 19 और 20 तारीख को आपके जो भी काम करेंगे उसकी लोग प्रशंसा करेंगे, अभिनंदनीय काम होंगे और अचानक कार्य जो बिगड़े हुए कार्य भी सुधर जाएंगे। इस प्रकार से सिंह राशि वालों के लिए मिला जुला फल देने वाला इस सप्ताह अनुकूल रहेगा। मंगल कामना करता हूँ कि आपका सप्ताह अच्छा बीते। हरिओम।